गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये जो टॉपिक है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट के अंडर आता है। तो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एनईपी 2020 मतलब जो 2024 से सिलेबस आया है, तो उस सिलेबस के अनुसार फर्स्ट ईयर ऑफ बीकॉम मतलब एफवाई बीकॉम के सिलेबस में ये टॉपिक है अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उनके अकाउंट के सिलेबस में अगर अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का टॉपिक होगा तो वो भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। और 12th के स्टूडेंट या फिर और कोई भी सीए के स्टूडेंट होंगे तो जिनके सिलेबस में अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये टॉपिक है, वो सभी स्टूडेंट ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके पहले मैं अमलगमेशन मतलब क्या होता है उसका मीनिंग बता देती हूँ। उसके लिए मैं एक इंट्रोडक्शन की सेपरेट वीडियो भी बनाने वाली हूँ। तो जब टू पार्टनरशिप फॉर्म का मर्जर होता है तो उसको अमलगमेशन बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है। मतलब अगर एसेट्स कम होती है तो उसका इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो उसका इफेक्ट हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही उसका इफेक्ट होता है। मतलब अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में दिखाते हैं और लॉस होता है तो डेबिट साइड में दिखाते हैं। अगेन हमें इसमें एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकालना पड़ता है। तो जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का रूल होता है, उस रूल के अनुसार कैपिटल का बैलेंस हम क्रेडिट साइड में लेते हैं। अगर प्रीवियस ईयर का कुछ रिजर्व वगैरह होगा तो वो पार्टनर्स को हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देन पार्टनर्स जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस होता है वो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके वो अकाउंट क्लोज करके उसका जो बैलेंस होगा वो बैलेंस शीट में लेंगे। इस तरह से हमें हर एक प्रॉब्लम में रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकालना है। लेकिन यहाँ पर दो पार्टनरशिप फॉर्म दी जाती है तो हर एक पार्टनरशिप फॉर्म के बुक में हमें ये दो दो अकाउंट निकालने पड़ेंगे और एक अमालगमेटेड बैलेंस शीट निकालना पड़ेगा जहां पर हम दोनों पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की टोटल लेंगे। तो इस तरह से फॉर्मेट होगा। तो मैं उसके लिए एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बना दूंगी, लेकिन आज मैं हमारा जो फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम है वो इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। ये जो प्रॉब्लम हमने लिया है ये है निराली पब्लिकेशन का जो लेटेस्ट टेक्स्ट बुक है उसमें से प्रॉब्लम हमने लिया है। और ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, ए एंड बी वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 75% एंड 25%। तो आप कैलसी आपको अलाउड है तो आप डायरेक्टली 75% 25% इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं तो 75 एंड 25, तो इसको इक्वल नंबर मतलब 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रेशियो आएगा 3:1। और सी एंड डी पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 50% 50%, मतलब इनका रेशियो जो है सी एंड डी का वो इक्वल रेशियो है। यहाँ पर हमें दो पार्टनरशिप फर्म के बैलेंस शीट दिए गए हैं, एक पार्टनरशिप फर्म जिसका नाम है ए एंड बी एंड सेकंड पार्टनरशिप फर्म जिसका नाम है सी एंड डी। तो इनकी लाइबिलिटीज एंड एसेट दी गई है और यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट्स है। तो जो एडजस्टमेंट है उसके अनुसार एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ है। तो देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट हम देख रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ ए एंड बी वाज एप्रिसिएटेड बाय 20%। तो ए एंड बी की लैंड एंड बिल्डिंग 20% से एप्रिसिएट हुई है, बट मशीनरी ऑफ बोथ फर्म वेयर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। लेकिन दोनों फर्म की मशीनरी क्या हुई है, 10% से डेप्रिसिएट हुई है। तो हमें क्या करना है, वन बाय वन जो एडजस्टमेंट है वो पढ़नी है और उसके अनुसार हमें क्या करना है उस इनका इफेक्ट देना है और लास्ट में हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते वक्त हम ये प्रॉब्लम का बैलेंस शीट कंसिडर करेंगे और जिन जिन एसेट्स पर या फिर जिन जिन लाइबिलिटीज पर एडजस्टमेंट आई है उसका इफेक्ट देकर हम दोनों एसेट्स एंड दोनों लाइबिलिटीज की टोटल करके अमालगमेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए अभी हमें ए एंड बी के बुक में दो अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड सी एंड डी के बुक में भी हमें दो अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हम पहले अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं और लास्ट में हम एक अमालगमेटेड बैलेंस शीट निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर
मैं ए एंड बुक बी के बुक में पहला अकाउंट निकाल रही हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आप एक ही वक्त पर सभी एडजस्टमेंट का वन बाय वन इफेक्ट देना चाहे तो भी आप दे सकते हैं, या फिर पहले ए एंड बी का प्रिपेयर कर सकते हैं, बाद में सी एंड डी का प्रिपेयर कर सकते हैं, और बाद में बैलेंस शीट। तो मैं दोनों भी मेथड आपको बताऊंगी। अभी मैं इस वीडियो में आपको वन टाइम, मतलब एडजस्टमेंट हम करेंगे तो ए एंड बी की भी करेंगे और सी एंड डी की भी करेंगे। तो पहले हम इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे ए एंड बी के बुक में, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे ए एंड बी का, देन सी एंड डी के बुक में भी हम क्या करेंगे, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, एंड सी एंड डी के बुक में हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे इस तरह से, एंड लास्ट में हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरह से पहले ये सभी अकाउंट हम क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम एक-एक एडजस्टमेंट देखेंगे और उसका इफेक्ट देंगे। तो देखिए, प्रॉब्लम में हमें फर्स्ट एडजस्टमेंट दी गई है, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ ए एंड बी वॉज एप्रिसिएटेड बाय 20%। तो यहाँ पर लैंड जो है वो कितनी है, 40,000 है ए एंड बी की, तो वो 20% से हमें एप्रिसिएट करनी है। तो 40,000 के ऊपर अगर 20% निकालेंगे तो आते हैं 8,000, और लैंड एंड बिल्डिंग का एप्रिसिएशन है मतलब वो बढ़ रही है, तो इससे हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हम ए एंड बी के बुक में रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में इसका इफेक्ट देंगे। तो पहले हम इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट दे रहे हैं ए एंड बी के बुक में रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, बाय लैंड अमाउंट के कॉलम में 8,000। इस तरह से हमने 50% एडजस्टमेंट का इफेक्ट दे दिया पहले एडजस्टमेंट का। अभी रिमेनिंग जो है वो हम पढ़ रहे हैं। देखिए रिमेनिंग एडजस्टमेंट, यहाँ तक हमने कर दिया इफेक्ट, 20% अमाउंट निकाली, वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखा दी। अभी है मशीनरी ऑफ बोथ फर्म वेयर टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%। तो मशीनरी ए एंड बी की 50,000 थी, उसके ऊपर 10% निकाला तो 5,000 आएगा। सी एंड डी की मशीनरी है 35,000, उसके ऊपर 10% निकाला तो वो 3,500 आएगा। ये डिप्रिसिएशन है मतलब लॉस होता है, तो इसका इफेक्ट हम देंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में हम इसका इफेक्ट देंगे पहले ए एंड बी के बुक में, रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू मशीनरी अमाउंट के कॉलम में 5,000। अभी हम जाएंगे सी एंड डी के रिवैल्यूएशन अकाउंट के ओर। तो सी एंड डी का जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसमें हम डेबिट में इफेक्ट देंगे टू मशीनरी अकाउंट 3,500। मतलब हमने 10% डिप्रिसिएशन निकाला, डिप्रिसिएशन के इफेक्ट हमने दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट है लूज टूल्स ऑफ ए एंड बी रिवैल्यूड एट रुपीज 8,000 एंड दैट ऑफ सी एंड डी 10,000। ए एंड बी के जो लूज टूल्स है वो 8,000 हुए, बैलेंस शीट में चेक कीजिए कितने थे, 10,000 थे। 10,000 के कितने हुए, 8,000, मतलब 2,000 से कम हुए। तो इसका इफेक्ट आएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में, लेकिन कौन से बुक में, ए एंड बी के। और सी एंड डी के जो थे 7,000 थे, वो कितने हुए, 10,000, मतलब 3,000 से इंक्रीज हुए हैं, एप्रिसिएशन है। ए एंड बी के लूज टूल्स का डिप्रिसिएशन है 2,000 का, लेकिन सी एंड डी का क्या है, एप्रिसिएशन है। तो डिप्रिसिएशन का इफेक्ट हम डेबिट में देंगे, एप्रिसिएशन का क्रेडिट में। तो पहले हम ए एंड बी के लूज टूल्स का इफेक्ट दे रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में 2,000 का टू लूज टूल्स 2,000। अभी हम सी एंड डी का जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वहां पर एप्रिसिएशन का इफेक्ट देंगे क्रेडिट साइड में, बाय लूज टूल्स 3,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट हम लास्ट में प्रिपेयर कर रहे हैं, सो मैं बैलेंस शीट को आपको लास्ट में बताऊंगी किस तरह से प्रिपेयर करना है। पहले तो मैं एडजस्टमेंट का इफेक्ट दे रही हूँ। अभी है आरडीडी, अ रिजर्व ऑफ 5% ऑन सन्डे डेटर्स वॉज नेसेसरी फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, मीन्स आरडीडी ऑफ बोथ द फर्म, दोनों फर्म के ऊपर हमें आरडीडी निकालनी है। तो डेटर्स देखिए, ए एंड बी के है 30,000, सी एंड डी के है 25,000, इसके ऊपर 5-5% निकालना है। आरडीडी है मतलब लॉस ही है, सो हम उसका इफेक्ट देंगे डेबिट में रिवैल्यूएशन के। तो यहाँ पर 30,000 के ऊपर 5,000 मतलब सॉरी 5% मतलब 1,500, एंड 25,000 के ऊपर 5% मतलब 1,250। तो इसका इफेक्ट हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में देंगे। तो पहले हम देंगे ए एंड बी के रिवैल्यूएशन में टू आरडीडी 1,500। अभी हम लिखेंगे
सी एंड डी के रिवैल्यूएशन में टू आरडीडी 1250। इस तरह से हमने आरडीडी का इफेक्ट दिया। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ बोथ फर्म वेयर टेकन बाय द फर्म एट 2% डिस्काउंट। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पर है 60,000 एंड 30,000, इसके ऊपर हम 2% निकालेंगे। अभी सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी के ऊपर अगर डिस्काउंट मिलता है तो हमें उसका प्रॉफिट होता है। सो इसका इफेक्ट आएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो सिक्स यहाँ पर हम 2% निकालेंगे। 2% कितना आएगा 60,000 के ऊपर। आप कैलसी आपको अलाउड है तो कैलसी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2% आएगा 1,200 और यहाँ पर 2% आएगा 600। तो इस तरह से हम क्रेडिटर्स के ऊपर का जो डिस्काउंट है उसका इफेक्ट देंगे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो पहले हम ए एंड बी के बुक में लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स 1,200। अभी हम सी एंड डी के बुक में लिखेंगे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स 600। इस तरह से हमने डिस्काउंट का इफेक्ट दे दिया क्रेडिटर्स के ऊपर जो था उसका। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट लास्ट एडजस्टमेंट है। तो लास्ट एडजस्टमेंट है फर्नीचर ऑफ बोथ फर्म वेयर टेकन एट 5% डेप्रिसिएशन। फर्नीचर जो है उसके ऊपर 5% डेप्रिसिएशन निकालना है। तो ए एंड बी का फर्नीचर था 6,000, उसके ऊपर 5% मतलब 300, एंड सी एंड डी का फर्नीचर था 10,000, उसके ऊपर 5% मतलब 500। तो ये डेप्रिसिएशन है, सो इसका इफेक्ट आएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो पहले हमने ए एंड बी के रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा टू फर्नीचर 300, एंड सी एंड डी के रिवैल्यूएशन में हम लिखेंगे टू फर्नीचर 500। इस तरह से हमने जो सभी एडजस्टमेंट थी उनके इफेक्ट जो है रिवैल्यूएशन में दे दिए। अभी हमें जो बैलेंस शीट है वो प्रिपेयर करना है, लेकिन उसके पहले हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर देखिए क्रेडिट साइड में कैपिटल के बैलेंसेस है वो हम कैपिटल अकाउंट में लेंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करके उसका जो प्रॉफिट और लॉस आएगा वो भी हम कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो पहले हम ये कैपिटल के बैलेंसेस ले लेते हैं कैपिटल अकाउंट में, देन हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है उसके क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का कैपिटल 50,000, बी का कैपिटल 50,000। अभी नेक्स्ट हम जाएंगे सी एंड डी के कैपिटल के पास। यहाँ पर हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सी का कैपिटल 27,000, डी का कैपिटल 27,000। अभी कैपिटल को और कुछ पोस्टिंग के लिए नहीं है प्रॉब्लम में, यहाँ पर देखिए सिर्फ कैपिटल का बैलेंस था। सो हम अभी जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्लोज करेंगे। तो पहले हम ए एंड बी का जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कौन सी साइड बड़ी दिख रही है, तो क्रेडिट साइड बड़ी दिख रही है। सो हमने क्रेडिट की टोटल की 9,200, डेबिट को लिखी 9,200, उसमें से डेबिट माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर आई वो हमने पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की, मतलब 75-25%, या फिर आप 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग फिगर आई है 400, तो 400 हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 3:1 या फिर 75%, 25% हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। तो यहाँ पर ए को प्रॉफिट आया 300, बी को आया 100। तो इसका इफेक्ट हम देंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पर हमारा ए एंड बी का रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ है, हमने वो क्लोज कर दिया है। अभी कैपिटल अकाउंट के और जाते हैं। कैपिटल अकाउंट में हम ये रिवैल्यूएशन का जो अमाउंट है वो क्रेडिट में लिखेंगे 300 एंड 100। अभी कैपिटल अकाउंट हमें क्लोज करना है क्योंकि इसमें दूसरा कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो क्रेडिट की टोटल बड़ी है, डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो 50,300 एंड 50,100 हमने डेबिट में लिख दिया, उतना ही बैलेंस आएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ए का आया 50,300 एंड बी का 50,100। इस तरह से हमने ए एंड बी का जो कैपिटल अकाउंट है वो भी यहाँ पर क्लोज कर दिया है। जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो ये दोनों अमाउंट हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लेंगे। अभी हम जो सी एंड डी का रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर हमने सी एंड डी का जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्लोज करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये पोस्टिंग पहले से कर रखी थी, अभी हमें सिर्फ क्या करना है, अकाउंट क्लोज करना है।
तो यहाँ पर जो डेबिट साइड है वो बड़ी है 5250, सो हमने वो क्रेडिट में लिखी 5250। और जो बैलेंसिंग फिगर है, सॉरी यहाँ पर मुझे सी एंड डी लिखना है, गलती से ए एंड बी हो गया, मैं करेक्शन कर देती हूँ। तो अभी देखिए हमने जो कैपिटल बैलेंस आया है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उनका रेशियो सी एंड डी का इक्वल है, तो यहाँ पर हमने 1650 जो लॉस आया है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया, 825 825। तो इस तरह से हमारा सी एंड डी का रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ है। अभी हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, तो ये जो लॉस है वो हम कैपिटल के डेबिट में, डेबिट साइड में लिखेंगे। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है सी एंड डी का, उसके डेबिट में हम ये लॉस लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 825 825। अभी ये अकाउंट हम क्लोज करेंगे, कैपिटल अकाउंट 27,000 27,000 दोनों और हमने लिखा, उसमें से 825 माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर आई है 26,175। इस तरह से हमने सी एंड डी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज किया। तो अभी हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट ए एंड बी का, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ए एंड बी का, देन हमारे पास यहाँ पर एक चार अकाउंट रेडी है। अभी हमें क्या प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो इस तरह से हमने ये पहले ये अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था ए एंड बी का, देन हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया ए एंड बी का, उसका बैलेंसिंग फिगर जो है वो हम अभी बैलेंस शीट में लेने वाले हैं, देन हमने सी एंड डी के बुक में रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया। एंड सी एंड डी के बुक में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया। इस तरह से अभी हमने चार अकाउंट प्रिपेयर किए हैं, लास्ट में हमें प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट। तो जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो बैलेंस शीट के लिए हम हमारा जो प्रॉब्लम का बैलेंस शीट है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो प्रॉब्लम का बैलेंस शीट है उसमें फर्स्ट आइटम है डेटर्स। तो डेटर्स में से हमें क्या करना है, आरडीडी माइनस करनी है। तो पहले हम ये दोनों डेटर्स की टोटल लेंगे 55,000, उसमें से जो आरडीडी के अमाउंट है वो हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आरडीडी है 1,500 एंड सी एन डी की जो आरडीडी है वो है 1,250। तो ये दोनों मिलाकर 2,750 हम उसमें से माइनस करेंगे और बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम सन्डे डेटर्स लेंगे। लेकिन पहले मैं लायबिलिटी साइड प्रिपेयर कर रही हूँ, सो मैं पहले क्या कर रही हूँ, लायबिलिटी साइड की जो अमाउंट है वो लूंगी। तो क्रेडिटर्स है 60,000 30,000 दोनों की टोटल 90,000, उसमें से हम क्रेडिटर्स की जो डिस्काउंटेड अमाउंट है वो माइनस करेंगे। बिल्स पेबल के ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं थी तो ये दोनों की टोटल 36,000 उतनी ही आएगी। तो देखिए यहाँ पर क्रेडिटर्स 1,200 एंड यहाँ पर 600, मतलब 1,800 जो क्रेडिटर्स है वो हम टोटल क्रेडिटर्स में से माइनस करेंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 88,200। अभी हम कैपिटल का बिल्स पेबल जो है उसके ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं थी तो जितने थे उतने ही लेंगे, 36,000 दोनों के मिलाकर। अभी हम कैपिटल लेंगे, जो पार्टनर्स कैपिटल का हमने बैलेंस निकाला था कैपिटल अकाउंट में वो यहाँ पर आएगा। तो चार पार्टनर्स है, ए 50,300, बी 50,100, सी 26,175 एंड डी 26,175। अभी एसेट साइड प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि डेटर्स की जो अमाउंट है उसमें से हम आरडीडी माइनस करके बैलेंसिंग अमाउंट लेंगे। अभी जो नेक्स्ट एसेट है वो है बिल्स रिसीवेबल। तो इसके ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं थी, हम दोनों की टोटल ले लेंगे 26,000। मशीनरी जो है उसमें से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो डिप्रिसिएशन आया था वो माइनस करके रिमेनिंग बैलेंस जो है मशीनरी का लेंगे। तो मशीनरी यहाँ पर डिप्रिसिएशन था 5,000 और यहाँ पर डिप्रिसिएशन था 3,500, मतलब 8,500 हम माइनस करेंगे मशीनरी में से। लेकिन जो बिल्स रिसीवेबल है जितने थे उतने ही लेंगे क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं थी। तो मशीनरी में से हमने 8,500 माइनस करके बैलेंसिंग फिगर ली। नेक्स्ट आइटम है लैंड। तो लैंड के ऊपर एप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट थी, ए एंड बी की लैंड के ऊपर एप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट थी, वो 20% से एप्रिसिएट हुई थी, मतलब 8,000 से। सो
तो 40,000 में 8,000 ऐड कर देंगे, या फिर ये दोनों की टोटल करेंगे 50,000, उसमें ऐड करेंगे 8,000, तो यहाँ पर टोटल जो लैंड एंड बिल्डिंग है, सॉरी लैंड जो है वो आएगी टोटल 58,000। तो लैंड हमने ली 58,000। नेक्स्ट जो एसेट है वो है फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन था 5%, 5%, तो डेप्रिसिएशन हमने रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाया है, तो उतना डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर है वो लेंगे। तो फर्नीचर के ऊपर यहाँ पर 300 डेप्रिसिएशन था ए एंड बी का, एंड सी एंड डी का जो डेप्रिसिएशन था यहाँ पर वो था 500। तो दोनों का मिलाकर 800 का जो डिप्रिसिएशन है वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और फर्नीचर लेंगे बैलेंस शीट को। तो यहाँ पर हमने फर्नीचर लिया 15,200। नेक्स्ट एसेट जो है वो है स्टॉक। स्टॉक के ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं थी तो दोनों की टोटल करके लेंगे। बैंक बैलेंस के ऊपर भी कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं थी तो दोनों की टोटल करके लेंगे। और लूज टूल्स जो है उसकी एक फिगर जो है 8,000 थी रिवैल्यूड और दूसरी थी 10,000, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ये 8,000 एंड 10,000 की टोटल करके लेंगे। तो इस तरह से अभी हम रिमेनिंग तीन एसेट जो है वो पोस्टिंग कर रहे हैं। स्टॉक 24,000, इसके ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं थी। बैंक बैलेंस के ऊपर भी कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं थी, 7,000। और लूज टूल जो है उसकी रिवैल्यूड फिगर हमें दी गई थी एडजस्टमेंट में 8,000 एंड 10,000, सो हमने इसकी डायरेक्टली टोटल कर दी। तो यहाँ पर हमारा जो बैलेंस शीट है वो टैली हुआ है 2,76,954। तो हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। वंस अगेन मैं आपको सभी स्लाइड्स दिखा देती हूँ। ये प्रॉब्लम है हमारा फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट ए एंड बी के बुक में, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी का। नेक्स्ट है सी एंड डी के बुक में हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा सी एंड डी के बुक में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड लास्ट में हमने बैलेंस शीट जो प्रिपेयर किया है वो यहाँ पर टैली हुआ है 2,76,954। यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का कंप्लीट हुआ है। थैंक यू। आपको इस वीडियो के प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो रॉयल्टी अकाउंट का टॉपिक है वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है। FY BCom के फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है उसके अंडर चार टॉपिक है, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, कन्वर्जन या फिर सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, देन हायर परचेस सिस्टम एंड रॉयल्टी अकाउंट। तो इसमें से रॉयल्टी अकाउंट की प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, और FY BCom के सिलेबस में एक बिजनेस अकाउंट का जो सब्जेक्ट है उसके अंडर पीसीबिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, तो उसमें सरप्लस कैपिटल मेथड एंड मैक्सिमम लॉस मेथड, ऐसे दो मेथड्स है, तो उसकी भी सभी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो मैं आपको बिजनेस अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रॉयल्टी अकाउंट का टॉपिक एंड अभी हमने जो वीडियो बनाई अमलगमेशन का, उन दोनों की प्लेलिस्ट दे रही हूँ। वन बाय वन हम एक एक करके सभी टॉपिक्स के जो वीडियोस है कम से कम 10 प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर बने रही है। थैंक यू।